अभी हम इंडियन स्मार्ट क्लास में आप लोग को सॉल्यूशन के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में आप जानें। सॉल्वेंट दोनों के मिले से सॉल्यूशन तैयार होता है, जिसको कहते हैं विलायक और विलयन। अब आप समझिए कि किन किन पदार्थों का विलयन बनाया जा सकता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप अपने घर में चीनी का सबक बनाते हैं, नमक का समझ बनाते हैं, वही विलयन ही है। अब आप प्रयोगशाला में बहुत सारे विलयन तैयार करना पड़ता है और यह बताना पड़ता है कि कौन सा विलयन संतृप्त है और कौन सा विलयन असंतृप्त है। इस संदर्भ में सबसे पहले आप जानिए कि आपके अमोनियम क्लोराइड देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड का एग्जाम्पल है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के, लेकिन नमक ही है। NaCl नमक का होता है, NaCl यह है अमोनियम, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का ये आप देख रहे हैं, ठीक नमक की तरह दिख रहा है अमोनियम क्लोराइड। इसी बगल में आपको इसी जगह जो है कि आप ये जो देख रहे हैं, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये देख रहे हैं कॉपर सल्फेट है। इसको जो है कि इस डब्बा में बंद है कॉपर सल्फेट का एक डब्बा है। ये आपको हम बाहर निकालेंगे, ठीक वाशिंग पाउडर की तरह दिखने में लगता है। यह जो कॉपर सल्फेट है, इसको आप नीला थोथा के भी नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CuSO4-2। आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ कि इसका विलयन कैसे तैयार होगा, यह विलयन संतृप्त कब होगा और असंतृप्त कब होगा। आपके सामने देख रहे हैं यह मिथाइल ऑरेंज देख रहे हैं। मिथाइल ऑरेंज आपके पास है, ये यहाँ क्या है, पानी और मिथाइल ऑरेंज का सॉल्यूशन तैयार है। आपको देखने के लिए आपको देख करके काफ़ी आनंदित होते हुएगा, इतना अच्छा ऑरेंज कलर का मिथाइल ऑरेंज का जो है ये हम सॉल्यूशन तैयार किए हुए हैं। अब आपके सामने बताने जा रहे हैं कि हमारे इस काम को करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि हम 5 लीटर ले चुके हैं। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम ड्रॉपर ले चुके हैं, तो ड्रॉपर में क्या किया है, पानी डाल दिए हैं। फिर अभी हम अमोनियम क्लोराइड का जो है कि सॉल्यूशन बनाना चाह रहा हूँ। ये जो है कॉपर सल्फेट, क्या कॉपर सल्फेट है, ये अमोनियम क्लोराइड का भी हम बना सकते हैं, लेकिन अभी जो आपको बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं कॉपर सल्फेट का विलयन। सबसे पहले आप जानिए कि इस विलयन को बनाने के लिए क्या क्या है। आप विलयन को बनाने के लिए सबसे पहले जान लीजिए कि ये स्वरूप है जिसको बोलते हैं विलय, ठोस पदार्थ के रूप में है, क्रिस्टल के फॉर्म में यह है विलय। और आप इसमें देख रहे हैं ये जो पानी देख रहे हैं ना, ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है यह हो गया आपको विलायक। क्या हो गया, विलायक। एक मिनट सॉरी, ये जो आप देख रहे हैं यह विलायक है। पानी क्या है, विलायक है। हम क्या काम कर रहे हैं, सभी जो है कि देख रहे हैं बीकर में क्या कर रहे हैं कि करीब करीब 50 ml हम उसमें पानी डाल दे रहे हैं। अब देखिए पांचों में हम क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। पांचों को रूम टेम्परेचर पर रखे हुए हैं। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास होता है, आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। पर लगभग 50 ml के आसपास हम सभी में पानी डाल रहे हैं। ये पानी है, इसको आप यूनिवर्सल सॉल्वेंट के भी नाम से आप जानते हैं। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। पानी के अलावा कार्बनिक कंपाउंड हो गया, जैसे आयोडीन का टिंचर, अल्कोहल और आयोडीन को मिला देते हैं तो आयोडीन का टिंचर बन जाता है। यहाँ पर आयोडीन हो गया और अल्कोहल हो गया। अल्कोहल जो हो गया वह हो गया विलायक। अब मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर पानी का उपयोग कर रहे हैं, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से हम लोग क्या कहते हैं, जानते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं विलायक। अब देखिए कि हम कॉपर सल्फेट को प्रत्येक बीकर में हम डालते हैं। आप देख रहे हैं बीकर संख्या 1, इसमें हम कॉपर सल्फेट को डाल दिए। फिर बीकर संख्या 2 में उसमें वह 1/2 चम्मच डाले थे, इसमें लगभग 1 चम्मच, 1 स्पैचुला हम डाल दिए कॉपर सल्फेट को। तीसरा जो बीकर है इसमें हम लगभग 1.5 चम्मच
1.5 स्पैचुला क्या काम किए, हम इसमें कॉपर सल्फेट को डाल दिए। तीसरा जो बीकर है उसमें हम 2 चम्मच क्या किए हैं कि कॉपर सल्फेट को क्या किए हम डाल दिए, लगभग 2 चम्मच डाल दिए। फिर पांचवा जो आपका बीकर है उसमें कॉपर सल्फेट का हम लगभग ढाई के आसपास हम चम्मच इसमें क्या काम किए डाल दिए। तीनों बीकर में मैंने क्या काम किया, कॉपर सल्फेट को डाला। कॉपर सल्फेट क्या है, एक विलेय है, ठोस फॉर्म में है, और यह पानी जो था पहले से वह विलेय है। विलेय को विलायक में अगर डाल देते हैं और उसके बाद कांच की छड़ से अगर हम चलाते हैं, चलाने के बाद पता चलता है कि एक घोल तैयार होता है। एक घोल क्या होता है, घोल तैयार होता है। थोड़ा समय लेंगे कि थोड़ा घूमने में समय लगता है, क्या कि हम घोल बना लेंगे। जब घोल बनाएंगे तो हमको कलर में थोड़ा सा अंतर दिखेगा, देखेंगे कलर में थोड़ा सा अंतर दिखेगा। देर तक जो है कि हम इसको क्या काम करेंगे, लाने का प्रयास करेंगे ताकि मेरा पूरा कॉपर सल्फेट क्या हो जाए, इसमें जाकर पेट भूल जाए। प्रक्रिया को पूरा करेंगे तब हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आप लगभग जो है कि ये 5 जो है कि आपके 2, 4 और 5 बीकर संख्या 1, बीकर संख्या 2, बीकर संख्या 3, बीकर संख्या 4, बीकर संख्या 5। बीकर संख्या 1 का कलर आप देखिए कि आपका कलर जो है कि लाइट कलर का ब्लूइश है, लेकिन लाइट कलर का हल्का लाइट है या डीप लाइट नहीं दिखाई दे रहा है। बीकर संख्या 2 में उससे ज़्यादा आप डीप लाइट दिख रहे हैं, फिर बीकर संख्या 3 में उससे ज़्यादा दिख रहा है, फिर बीकर संख्या 4 में उससे ज़्यादा दिख रहा है, और फिर बीकर संख्या 5 में सबसे आपका डीप कलर दिखाई दे रहा है। ये क्या बन गया, ये कुछ नहीं बना, सॉल्यूशन बन। कभी कभी सॉल्यूशन समझ के बिलियन और विलय और विलायक मिलकर के बिलियन तैयार हो गया, या क्या तैयार हुआ, बिलियन तैयार हो गया, उसी को हम बिलियन सॉल्यूशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही हो। अब इस बात को जानिए कि क्या हुआ, इसमें कॉपर सल्फेट को जब हम पानी में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का पार्टिकल 10^-8 के आसपास छोटा दाना के रूप में कन्वर्ट कर जाता है और पानी के कणों के बीच में जाकर के फंस जाता है, और पानी के कणों के बीच में जाकर के फंस करके एक सॉल्यूशन तैयार कर देता है। अब देखेंगे कि यह लगभग पारदर्शी दिख रहा है, लगभग पारदर्शी दिख रहा है, लेकिन कलर जो है चारों में पांचों में अंतर होते जाता है। देखेंगे क्या जी, ये हल्का लाइट है, अगर इसमें अगर आप कॉपर सल्फेट को और डालेंगे, अगर और डालेंगे तो फिर यह आसानी से घुल जाएगा, फिर यह घुल जाएगा। कहने का मतलब कि बीकर संख्या 1 में अगर हम कॉपर सल्फेट को डालते जा रहे हैं और तब तक डालते जा रहे हैं जब तक यह घुलता रहेगा, यह घुल रहा है, मतलब यह जो है असंतुलित, क्या है असंतुलित। इसमें भी डाल रहे हैं, इसमें भी डालें यह भी घुल जा रहा है, इसमें भी कॉपर सल्फेट डालें यह भी घुल जा रहा है, फिर इसमें कॉपर सल्फेट डालें वह भी घुल जा रहा है समान मात्रा में, फिर कॉपर सल्फेट इसमें डालें ये भी घुल जा रहा है, फिर हम इसमें कॉपर सल्फेट डालें यह घुलने में हमको दिखाई दे रहा है कि कुछ पार्टिकल बार बार घुलने के बाद भी बच जा रहा है, क्या बच जा रहा है। कहने का मतलब कि टेम्परेचर समान है, रूम टेम्परेचर पर हम काम कर रहे हैं। इसमें डालने पर देखिए, डाले और घुल गया, कॉपर सल्फेट क्या हुआ, घुल गया। इसमें क्या हो गया, ये भी घुल रहा है, इसमें भी घुल रहा है, और इसमें भी घुल रहा है, और इसमें जब हम डालते हैं तो वह घुलना बंद कर देता है। घुलना क्या करता है, बंद कर देता है। जब बंद कर देता है इसमें और घुल सकता है, तो यह हो गया असंतुलित।
इसमें भी घूर सकता है या भी हो गया असम, इसमें भी घूर सकता है या भी हो गया असम, फिर हो गया इसमें क्या हो गया मौसम, और यहाँ पर जाकर के यह घूरना बंद कर दिया। इसके बाद आप ज़्यादा डालेंगे तो यह घूरना बंद कर देगा, वो मैक्सिमम जितना घुलाना था वो घुला लिया, तो इस घोल को हम कहेंगे संतृप्त घोल, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पर पांचों को देखने के बाद हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारा इसमें भी घुल रहा है, 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 और इसमें कॉपर सल्फेट घुलना बंद कर दिया, यानी कि यह सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और यह चारों क्या है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अभी 2 चम्मच डालेंगे तो घुल जाए, इसमें 1.5 चम्मच डाले तो घुल जाए, इसमें 1 चम्मच डाले तो घुल जाए, इसमें 0.5 चम्मच डाले तो घुल जाए, और इसमें अगर थोड़ा भी डालेंगे तब यह घुलना बंद कर देंगे, तब यह हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और ये चारों के चारों क्या हो गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप समझ रहे हैं पानी जो है यूनिवर्सल सॉल्यूशन के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ मैं इसको अंत कर रहा हूँ। धन्यवाद।